हाय एवरीवन, आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज आपको ऑस्ट्रेलिया में अपने मोहल्ले की सैर कराते हैं। कहते हैं ना इंडिया में गलियां मोहल्ला, तो आज अपने मोहल्ले की सैर कराते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं आपको कैसा रहता है, कैसा मोहल्ला होता है ऑस्ट्रेलिया में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए, लेट्स डू इट। यहाँ पे 10 बजे हुए हैं सुबह के, ड्राइवर को बोल के जा रहे हैं, कोई भी नहीं दिखेगा, चिन बच्चा भी कोई भी नहीं है। पर ये आसमान दिख रहा है, इतना सुंदर लग रहा है ना। थोड़ा सा यहाँ पे बारिश का सा मौसम बना हुआ है, अच्छा लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे अच्छी बात क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना पाथवेज बने हुए हैं हर सबब के अंदर, जैसे ये पाथवे है ना, कि आप पाथवे से ही वॉक करके जा सकते हो, आपको रोड पे जाने की जरूरत नहीं है। और इजी भी रहता है, बच्चे बच्चे साइकिल वगैरह भी चला सकते हैं इस पर, तो डर नहीं रहता बच्चा इधर उधर चला जाए तो। ये पूरा ब्यूटीफुल सब पाथवे हर जगह बना हुआ है, चाहे कहीं चल जाओ, सिटी में भी चल जाओ, पाथवे मिलेगा ही मिलेगा वॉक करने के लिए, क्रॉस करने के लिए। प्रॉपर साइनेज वगैरह प्रॉपर होती है, इतना ब्यूटीफुल सब ट्री है। वहाँ पे वो प्लेग्राउंड है, मैं आपको प्लेग्राउंड दिखाती हूँ, बहुत अच्छा सा प्लेग्राउंड है बच्चों खेलने का, ब्यूटीफुल सा पूरा सा लोग है, दूर दूर तक कोई नहीं, किड्स पार्क की तरह। और मेरे साथ टाइगर है, तो टाइगर जाएगा अपने डॉग पार्क में भी थोड़ा सा घूमने के लिए, जब डॉग को यहाँ पे वॉक करवाते हैं, ऑब्वियसली बोलते हैं यहाँ पर लीश में रखते हैं, चाहिए रखते हैं, बट यहाँ पर डॉग पास भी होते हैं। यहाँ पे एक ये डॉग है जिसके नाम पे ये पार्क का नाम रखा गया है, वो तो बहुत ही फेमस है, ये इसको सर भी बोलते हैं। और एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डॉग थी ये, इट्स अ फीमेल डॉग, जब ये सबब बनाया गया, जब ये जिंदा थी तो इसको बाहर से लेके आए थे फिर। और ये सारा जो है प्लेग्राउंड है, यहाँ पे पूरा पार्क सा है, सुंदर सा नाइस सा बैठने की जगह है बच्चों के खेलने मिलने के लिए। यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या होती है, हर पार्क के पास में जैसे कि वहाँ देख सकते हो टॉयलेट होगा ही होगा, तो अच्छा है। और ये यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए है, एक्सरसाइज कर सकता है कोई, अगर आके किसी को एक्सरसाइज वगैरह करनी है तो। पूरा बिन्स लगे होते हैं हर जगह, प्रॉपर पानी की सुविधा होती है। और यहाँ पे बारबेक्यू है, किसी को आके यहाँ पे अगर कुछ भी बनाना है, चिकन में कुछ भी बनाना हो। और ये सारा सिटिंग एरिया है, लोग यहाँ पे पार्टी वगैरह करते हैं वीकेंड पे आके, क्योंकि नियर बाय टॉयलेट भी है, तो ईजी हो जाता है लोगों के लिए रात दिन घर पर करने के। और ये छोटे बच्चों खेलने के लिए पार्क अच्छा सा पूरा कवर करके रखते हैं, क्योंकि सन की वजह से, लाइट्स की वजह से। और यहाँ पे जो ये फर्श होता है, इनका फ्लोर जो होता है वो फोम का होता है, तो बच्चा गिर जाए तो उसको लगती नहीं है, तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं यहाँ पे, कि बच्चों को लगे वगे नहीं, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। ग्रीनरी चारों तरफ फेंस लगा के रखते हैं, तो अच्छा सा पार्क बना रखा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ना डॉग पार्क भी होते हैं बड़े अच्छे से, तो अभी मैं टाइगर को उसके डॉग पार्क में ले जा रही हूँ, जहाँ पे आप लीश फ्री उसको छोड़ सकते हो, जो कि वहाँ पर है। तो और देखो कितने मस्त बड़े अच्छे से कलर आ जाते हैं यहाँ पे, जब स्प्रिंग या समर या विंटर्स आती हैं, ऑटम आता है, तो ट्रीज़ के ना कलर्स चेंज आते हैं, वो दिखाते हैं एक ट्री का, तो बड़े सुंदर से कलर आते हैं। अभी जाएंगे ना यहाँ पे हम कहीं पे, तो दिखाएंगे, पर्पल हो जाते हैं पूरा ट्री, पर्पल हो जाता है, देखो कितना रेडिश सा सुंदर सा रेडिश हो रखा है, पूरा मस्त सुंदर सा लग रहा है। टाइगर को जल्दी हो रही है, टाइगर को जाना है डॉग पार्क भी, जबकि वहाँ पे कोई डॉगी भी नहीं है, नहीं टाइगर को जाना है, क्या कर सकते हैं। तो भाई खाते पूरा, कोई नहीं, ऐसा लग रहा है दुनिया कहीं चली गई है,
लोग कहाँ गए? ये डॉग पार्क है, डॉग पार्क पे पूरा मेंशन कर रखा है क्या है, पूरा लीश एरिया। यहाँ पे लोग अपना प्रमोशन के लिए लगा देते हैं कि भैया क्या कर रहे हैं। तो चलते हैं अंदर लेके। लीश खोल देती हूँ मैं। Let's go, tiger. Let's go, tiger. Tiger is very happy. Yeah. Smell. पूरा बैठने का पूरा बना के रखते हैं, चारों तरफ से पूरा फेंसिंग कर रखी होती है ताकि सेफ्टी रहे। कोई अगर बाहर वॉक कर रहा है तो जो अंदर डॉग्स हैं उनसे उनकी सेफ्टी रहे। यहाँ पे बेस्ट काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, पूरा देखो पार्क पूरा मेंटेन है, मेंटेन करते रखी है यहाँ पे काउंसिल सारा, तो सारा पार्क को। और पार्क के अंदर आप इंसानों के लिए पानी की सुविधा नहीं, यहाँ पे जानवरों के लिए भी रखते हैं। देखो डॉग पार्क में पानी का पूरा प्रबंध है, उनके लिए बिन्स है ताकि अगर पॉटी वोटी कर दो तो यहाँ डाल दो। और यहाँ पे बैग्स मिलते हैं, डॉग पॉटी बैग्स मिलते हैं, आप यहाँ से ले सकते हो अगर आप भूल गए हो तो, यहाँ से आपको मिल जाते हैं। तो पूरा प्रबंध करके रखते हैं, पूरा बहुत अच्छे से बना रखा है डॉग पार्क वगैरह। तो गाइस बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा मोहल्ला, बोलते हैं नहीं मतलब मोहल्ला इलाका यहाँ पे सबक बोलते हैं। तो बताइएगा कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, और कमेंट में बताइएगा और किस चीज़ पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। वैसे तो मेरी बहुत सारी और वीडियोस आने वाली हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते रहेंगे। तो ये थैंक्स गाइस, बाय, सी यू। इतना नाइस व्यू है, मस्त, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे बड़े बच्चों के लिए भी होता है, जो 11-12 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए भी पार्क अलग से, बहुत सारे पार्क्स बनते हैं एक ही शब्द के अंदर। देखिए मैं आप दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे अच्छे से पार्क बहुत अच्छे से बने होते हैं, बच्चे खूब इंजॉय करते हैं शाम को। मेरे बच्चे देखने को रेयर ही मिलते हैं शाम को भी। देखो अच्छा सा बना हुआ, इसको बहुत ही अच्छा सा बना रखा है, ग्रीनरी भरपूर है यहाँ पे, मस्त ब्यूटीफुल। यहाँ पे पार्क का पानी पीने का पूरा प्रबंध होता है। यहाँ पे देखो मेंटेन करके रखते हैं, जंगल में से पूरा नेचुरल वॉक बना रखी है और पूरा जंगल पूरे उसको मेंटेन कर रखा है। ऐसा नहीं है कि झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ उगी हुई हैं, कोई ध्यान ही नहीं है कहीं पे, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। तो कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे मॉर्निंग वगैरह वॉक के, पहला तो यही है कि पूरा क्लीन है, दूसरा पाथवेज है, हर जगह पाथवे बना होगा वॉक करने का। और नेचुरल वॉक्स बहुत करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। अभी जो मैं वॉक कर रही हूँ वो नेचुरल लेक के पास कर रही हूँ, दिखाती हूँ, बड़े ब्यूटीफुल लेक है। और आसपास बैठने की जगह है, बच्चों के खेलने के लिए पार्क वगैरह प्रॉपर मेंटेन करके रखते हैं। ये देखो मेरे ही सबम में मोहल्ले में आप कह सकते हो कि ब्यूटीफुल सी लेक है, पूरे सबक के चारों तरफ बहुत सुंदर सी, लोग वहाँ यहाँ बैठ जाते हैं वहाँ पे। वो देखो चेयर से डली हुई है, लोग यहाँ बैठ के पिकनिक भी कर लेते हैं, सुंदर सा व्यू है, बिल्कुल ब्यूटीफुल। तो ये अच्छा है, यहाँ पे सब कुछ मैनेज रहता है। अगर आपको कंप्लेन है कभी भी कि ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, तो आप काउंसिल को बोल सकते हो, उनको जगह बता सकते हो और वो उसको ठीक कर देते हैं। तो अभी जंगल की वॉक पर दिखाती हूँ, पूरा नेचुरल वॉक बना रखे कैसे, पूरा नेचुरल वॉक बना रखा है और इसको पूरा मेंटेन करके रखते हैं।
चेक करते हैं कोई सांप स्नेक वगैरह आसपास ना हो, अवेयरनेस भी देते हैं वो पूरा, अगर आपको पूरा बना रखा है। अगर आपको कोई स्नेक भी मिल जाता है तो यहाँ पर स्नेक कैचर होते हैं, स्नेक पकड़ने वाले लोग होते हैं, उनको फ़ोन कर सकते हो और फिर वो यहाँ से ले जाते हैं। कभी कभी होता है कहीं से आ जाता है तो वो आप लोग क्लिक करके फ़ोटो बता देते हैं, पेजेस वगैरह पे डाल देते हैं तो वहाँ से ले जाते हैं पूरा। तो नेचुरल वॉक, उसको साफ करते रहते हैं पूरे झाड़ वाड़ को, ऐसा नहीं कुछ भी गंद उग गया शुरू हो रहा, पूरा मैनेज करके रखते हैं वहाँ से और जो है वॉक करके अच्छे नेचर में। घर के पास में ही आपको नेचर मिल जाता है, यहाँ पे कहीं दूर दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं होती, ये बस 10 मिनट की वॉक पे हमारे घर से, पूरा नेचुरल वॉक। पास में ही लेक है, पास में ही पार्क्स हैं, तो कहीं दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा, बाकी वो दिखाते हैं आपको। टाइगर को जाना है, दौड़ना है। टाइगर कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है वो करके? गर्मी लग रही है इसको, गर्मी रखी है यहाँ पे मसाले। अच्छा चले जाओ, जंगल में चले जाओ, यहाँ पे नेचुरल वैसे पार्क बहुत हैं नेचर में, उसको पूरा मेंटेन करके रखते हैं काउंसिल वगैरह, और आपको पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, वो पूरा देखो चढ़ के जाने का अच्छा सा बना रखा सब कुछ। लोग बैठ के खाना वाना भी खा सकते हैं, कैंपिंग वैम्पिंग कर सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं। नहीं? नहीं? नहीं?